दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक दिन में 387 व्यूज, दो दिन में 1000 व्यूज, 1500 व्यूज, तीन दिन में 1000 व्यूज, मतलब इनके वीडियो पे 500, 1000, 2000 व्यूज जो है जाते हैं। लेकिन इनकी अर्निंग की अगर बात करें तो ये महीने के 2 से 2.5 लाख रुपए कमाते हैं, और इस बात का लाइव प्रूफ आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि कैसे भाई 2 से 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं 500 और 1000 व्यू पे। तो बताइए कि मतलब क्या राज है 500 और 1000 व्यूज पे आपका इतना पैसा। इस महीने में कितना रुपया कमाया है पहले बताइए? इस महीने में अभी तक 2600 प्लस बन चुके हैं। 2600 प्लस क्या बन चुके हैं बताइए? 2600 प्लस डॉलर। डॉलर 2600 प्लस डॉलर, मतलब कि टोटल 2 लाख रुपए लगभग इस मंथ में बन चुके हैं। और इसका लाइव प्रूफ देखिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। यहाँ पे एनालिटिक्स में चलते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे चलेंगे इनके रेवेन्यू में। और यहाँ पे आप देखिए, एस्टिमेटेड रेवेन्यू है 2.70 डॉलर, मतलब कि लगभग 2 लाख कुछ हजार रुपए यहाँ पे जो है ये कमा चुके हैं। अप्रैल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3995, मतलब लगभग 4000 डॉलर। अगर मार्च की बात करें तो यहाँ पे 3800 डॉलर, मतलब कि ये इनकी मंथली अर्निंग है 2 से 2.5 लाख रुपए, सिर्फ कितने व्यूज पे? 500 और 1000 व्यूज। अब आपको इसके पीछे की सच्चाई बताते हैं कि ये क्या है, क्यों है, क्योंकि 500-1000 व्यूज आप में से ही बहुत लोग के जाते होंगे, तो आप सोच रहे होंगे कि हमारी उतनी अर्निंग क्यों नहीं होती है, ठीक है? तो अब आपको यहाँ पे रियलिटी बताते हैं। इनका चैनल है सीखे ऑल इन हिंदी, और ये है राजा राम जी, जो कि मेरे पुराने फ्रेंड हैं, आज के नहीं, 2016 जब हमने यूट्यूब स्टार्ट किया था, जो मेरा पहला चैनल था टेक्निकल बाबा नित्या, उस टाइम से ये मेरे फ्रेंड हैं। और इनका चैनल है यहाँ पे सीखे ऑल इन हिंदी। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके चैनल पे 33 लाख सब्सक्राइबर हैं और इनके वीडियो पे इस तरीके से व्यूज क्यों जाता है? अर्निंग तो होती है, लेकिन व्यूज इस तरीके से क्यों जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि एक चीज मैं आपको यहाँ पे पहले दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, इनके जो रियल टाइम है व्यूज वो यहाँ पे 2.5 लाख, मतलब कि टोटल इनकी जो वीडियोज हैं उनसे यहाँ पे 2.5 लाख व्यूज आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 2.5 लाख व्यूज के इन्हें जो है मंथली 2 लाख रुपए मिलते हैं, मतलब कि 48 घंटे में इनके 2.5 लाख व्यूज आ रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इनके 2.5 लाख व्यूज आखिर कैसे आते हैं? वीडियो पे तो इनके 1000-2000 व्यूज जा रहे हैं, तो 2.5 लाख व्यूज कहाँ से आ गए? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप मोस्ट व्यूड वीडियो में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके वीडियो पे 6 साल पहले 3.8 करोड़ व्यूज गए हैं, उसके बाद 1.5 करोड़, उसके बाद 73 लाख, उसके बाद 65 लाख, उसके बाद 43 लाख, उसके बाद 43 लाख, 40 लाख, 39 लाख, 37 लाख, 36 लाख, इतने लाखों में वीडियोज गए हैं कि वही वीडियोस इस चैनल को चला रहे हैं। जितने भी इनके मोस्ट पॉपुलर वीडियो हैं वो रिकमेंड में चलते हैं, साथ ही साथ जो वायरल वीडियो के साथ ही साथ अभी अगर आप रिसेंट में जाएंगे, ये अगर हम रिसेंट में गए तो मेरे चैनल का कॉन्सेप्ट ही हम बहुत चेंज करके रखे हैं। ये अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे, तो ये देखिए 6 के 4 दिन में, 11 के, 23 के 4 के, 4 दिन में, लेकिन उसी से नीचे देखिए सिर्फ 400 व्यूज है। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस सर्च से लाना है। जितना ज्यादा सर्च से लाएंगे, आप लोगों में से सबसे बड़ी गलती ऑडियंस की यही होती है कि आप लोग सर्चेबल कंटेंट पे काम नहीं करते हैं। आप लोग सोचते हैं कि जैसे तैसे वीडियो बनाए। देखिए कितने अच्छे बात भाई ने कही, और ये भी एक एक्सपीरियंस यूट्यूबर है, 6 साल पुराने यूट्यूबर हैं, इनसे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए अभी रिसेंट वीडियो पे इनके व्यूज नहीं जा रहे हैं, लेकिन पुराने वीडियो पे जो ये सर्चेबल कंटेंट पे काम कर रहे हैं उससे इनके अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। अब आप बताइए राजा राम जी, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक वही कवर करता हूँ जो कि सर्चेबल हो, लोगों को हेल्प हो उस कंटेंट से। जैसे कि अगर आप ही को इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन हाइड करना है तो आप यूट्यूब पे आओगे कि हाइड कैसे करना है, तो वो सर्चेबल कंटेंट हो गया। और वहां पे अगर मेरी वीडियो सबसे ऊपर आ गई तो वहां से मेरी, अगर मैं 1 महीने वीडियो ना भी बनाऊं अपने चैनल पे, फिर भी अर्निंग होती रहेगी एकदम पुरानी वीडियो से, स्टेबल क्योंकि रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सर्चेबल कंटेंट पे काम कीजिए ताकि आपको पेंशन प्लान आता रहे, मतलब अपने वीडियो बना दी और आपका सर्चेबल कंटेंट चलता रहे और आपकी अर्निंग होती रहे। अब यहाँ पे बात करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है
कि बहुत लोगों के वीडियो पे व्यूज जाते हैं स्टार्टिंग में, और अचानक से उनके वीडियो पे व्यूज जो है सो रुक जाते हैं। जैसे कि मान लो कि 1,000, 2,000, 10,000 व्यूज जा रहे हैं और अचानक से 500,000 व्यूज जाने लगे उनके चैनल पे, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? तो जैसे कि ये चीज मेरे साथ भी होता था, लेकिन मैं जैसे वीडियो डालता तो 2,000-2,500 आते, और जबकि मैं सर्चेबल कंटेंट ही बताता था। लेकिन मेरी गलती क्या होती थी, मैंने अपनी गलती खुद ही निकाली कि मैं अपनी वीडियो को ना काफी लेंदी कर देता था, 2-2.5 मिनट तक इंट्रो ही चलते रहता था। लेकिन अब मैं अपनी गलती निकालने के बाद उसको सुधार रहा हूँ, और सुधारने के बाद आपके पास रिजल्ट है। मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है कि 4 दिनों में इस वीडियो पे 23,000 व्यूज चले गए। अगर इसकी रियल टाइम आप देखोगे तो अभी मैंने चेक किया है 10,000 इसकी रियल टाइम व्यूज चल रही है। अब मैंने यहाँ पे क्या सुधारा कि मैं डायरेक्ट टू दी पॉइंट स्टार्ट होता हूँ। लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि इंस्टाग्राम का ऑनलाइन हाइड कैसे करना है, मैं तुरंत उनकी समस्या बता दिया और स्टार्टिंग कर दिया सेटिंग की। भले वीडियो 2 मिनट की जाए, 3 मिनट की जाए या 4 मिनट की ही जाए, लेकिन एकदम टू दी पॉइंट बताना शुरू किया, और इसका रिजल्ट मुझे दिखा कि अब मेरे रिसेंट वीडियोस पे भी तुरंत सर्च में चले जाते। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कुल मिला के अगर बात करूँ तो ये 5-6 साल पुराने यूट्यूबर हैं। इनका कहना ये है कि आप वीडियो में इंट्रो लगा के या आलतू फालतू बात करके वीडियो को लेंदी मत बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि तुरंत मेरा वीडियो चले, तुरंत यहाँ पे सर जाए, तो टू द पॉइंट बात कीजिए। हाँ। जैसे मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया तो डायरेक्टली मैंने बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके वीडियो व्यू जाता है और किस तरीके से अर्निंग करते हैं। हाँ। अगर मैं यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करूँ तो दोस्तों ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, इनके बारे में घर द्वार परिवार बताने लगूं, हाँ, तो पता चलेगा वो वीडियो कोई देखेगा ही नहीं। इसलिए लोगों के पास टाइम नहीं, और इसका ही एक बहुत बड़ा रीजन है शॉर्ट्स चलने का। शॉर्ट्स क्यों चलता है? क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट्स में 1 मिनट का समय लगता है और वहाँ पे ज्यादा चीजें देखने को मिलती है, इसलिए शॉर्ट वीडियो लोग ज्यादा पसंद करें। लोगों के पास टाइम नहीं है, कंटेंट बहुत सारा है और कंपटीशन भी बहुत सारा है, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है। तो इस तरीके से आप वीडियो बनाइए आज के डेट में, जिससे कि आपका वीडियो जो है लेंदी ना हो, आपका वीडियो जो है टू द पॉइंट हो, और उसमें एजुकेशनल बात हो, ऐसी बात हो जिससे आपका वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा चले। और क्या कहना चाहेंगे राजा राम जी हमारे ऑडियंस के बारे में? और अभी बोल रहा था, भूल गया। हाँ बोलिए। और क्या, यहीं से स्टार्ट कीजिए। क्या तो बोल, हाँ तो मैंने अपनी अभी नहीं की सर। तो और तो मैं अपनी गलती को नहीं, मैंने पूछा और कुछ बताइए तो बोलिए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने क्या किया कि मेरे वीडियोस पे व्यूज कम आ रहे थे, तो मैं अपने दोस्तों के पास रेफरेंस में गया कि भाई तुझे क्या दिक्कत है, तो तू मेरी वीडियो ये प्रॉब्लम मैंने बनाई है तो तू इस वीडियो को देखेगा। तो वो बंदा क्या कहता कि मुझे अगर जिस चीज की जरूरत है, अगर मुझे गोलगप्पे खाने हैं तो मैं डायरेक्ट गोलगप्पे खाऊंगा, डायरेक्ट गोलगप्पे खाऊंगा, मतलब मुझे तुरंत से चाहिए कि सॉल्यूशन सही स्टार्ट हो जाए। तो वहां से मैंने उस चीज को सुधारा, पहले फीडबैक लिया, फीडबैक लोग देखना क्या चाहते हैं, देखना क्या चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आपको भी कोई चीज चाहिए तो भाई मुझे यही चीज चाहिए, तो मुझे घुमा फिरा कर ये वो मत करो, तुरंत स्टार्ट करो। तो एक दोस्तों कुल मिला के बात करें तो एक एक्सपीरियंस यूट्यूबर यही कहते हैं, चाहे वो मैं हूँ या ये हूँ, कि टू द पॉइंट आज के डेट में वीडियो बनाइए। लोगों के पास समय नहीं है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए टू द पॉइंट वीडियो बनाइए, जो कहना चाहते हैं वही वीडियो में बताइए। आप नहीं दीजिएगा, कोई और दे देगा, और सर्चेबल कंटेंट पे हमेशा वीडियो बनाइए। बाकी मैं यहाँ पे ऐसा आशा करता हूँ कि आपको इनकी अर्निंग देख के काफी ज्यादा मजा आया होगा, काफी मोटिवेट हुए होंगे, और इनको मेंशन भी करूंगा डिस्क्रिप्शन में। काफी पुराने फ्रेंड हैं, काफी दिन बाद मिले तो मैंने कहा कि इनके थ्रू आपको बताया जाए, सिखाया जाए और थोड़ा सा मोटिवेट भी किया जाए। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। बाकी इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।